जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक था हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर नाउन, तो आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकंड टॉपिक, सेकंड पार्ट प्रोनाउन, जिसकी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा इसमें ज़मीर है जो नाउन की बजाय हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाउन की बजाय जो इस्तेमाल किया जाए उसे आप प्रोनाउन कहते हैं। तो इसकी मिसाल में आप देख रहे हैं ही शी इट आई मी वी दे एसेट्रा। एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है अहमद इज़ एब्सेंट बिकॉज अहमद इज़ इल। अब यहाँ पे देखें कि अहमद इज़ एब्सेंट बिकॉज अहमद इज़ इल, अहमद दो दफ़ा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे एक कोटेशन दी गई है कि इट इज़ बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अहमद, बार बार अहमद को रिपीट नहीं करना, अहमद की बजाय आप यहाँ पे ही इज़ इल, तो यहाँ पे ही एक प्रोनाउन के तौर पे आया है। तो ये स्टेटमेंट थी अहमद इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो अब जो ही का लफ्ज़ आया है ये प्रोनाउन के तौर पर आया है। अब इसकी हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहली एग्जाम्पल में हम देखें कि आयशा इज़ माई क्लासमेट, शी इज़ काइंड हार्टेड गर्ल। अब शी, आयशा की बजाय यहां पे शी आया है। ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जाम्स, ही का लफ्ज यहां पे आया है, तो ही एज अ प्रोनाउन आया। आई लाइक टू वॉच टीवी बट ही डज नॉट, तो आई वी दे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे प्रोनाउन है जिस तरह हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, यूअर सेल्फ है, ये भी यू कुड ट्रेवल बाय यूअर सेल्फ, तो यूअर सेल्फ भी हमारे पास प्रोनाउन के तौर पे है। शी कैन डू इट बाय हर सेल्फ, ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, तो ये भी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास प्रोनाउन की। तो हम नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसकी टाइप्स, तो कहते हैं जी कि यहां पे इंग्लिश प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल कैटेगरीज, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, पर्सनल, इंडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल होता है, पोजेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रेसिप्रोकल और रेलेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे पास कुछ प्रोनाउन की टाइप्स हैं, कुछ को हम जो मेन हैं उसको हम डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में उसकी डेफिनेशन देखें सबसे पहले, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज टू रेफर टू अ पर्सन, ये एक ऐसा इसमें जमीर है जो उस पर्सन को रेफर करता है। इन दिस कैटेगरी यू विल सी वर्ड्स आई वी यू दे ही शी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई हैव ग्रीन आईज, दे आर कमिंग टू माई हाउस, यू आर माई फ्रेंड, तो आई दे और यू, ये एग्जाम्पल्स हमारे पास यहां पे हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट इसका जो टाइप है हमारे पास प्रोनाउन की, वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्ट करता है उस शख्स की तरफ जो बात करने वाला है। द रिलेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल एंड इन सेल्फ और सेल्व्स, इसके ऊपर ये एंड होते हैं जो आखिरी इनके अल्फाज होते हैं, तो उसके बाद विद इन द कैटेगरी आर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, माई सेल्फ, इट सेल्फ, जैसा कि देखें ही टेक्स केयर ऑफ हिम सेल्फ, तो हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो उस शख्स की तरफ रेफर हो रहा है जो वो बात करने वाला है। तो शी कैन डू इट बाय हर सेल्फ, यू कुड ट्रेवल बाय योर सेल्फ, तो यहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो एंड होते हैं सेल्फ या सेल्फ्स पे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। तो इन इंग्लिश पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज टू इंडिकेट पोजेशन और ऑनरशिप को ये जाहिर करते हैं, जैसे कि माइन, आई से माइन, यू से यूअर्स, ही से हिज, शी से हर्स, वी से आवर्स, यू से यूअर्स, दे से देयर्स। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, दिस इज माय लैपटॉप, इट्स माइन, माई से माइन, दीज ग्लासेस आर माइन, नॉट यूअर्स, तो यूअर्स, माइन, पोजेशन को शो कर रहे हैं, ऑनरशिप को ये जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो ऑनरशिप को जाहिर करें या किसी चीज की पोजेशन को, पोजेस और ऑनरशिप को ये जाहिर करने के लिए जो नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो पोजेसिव हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है इंटरोगेटिव।
An interrogative pronoun is used in a question. The word within the category are who, which, where, how and what. तो ये questions के अंदर इस्तेमाल होते हैं. How many apple do you have? तो how एक pronoun है जो interrogative है. Which way is the hotel? तो ये जो which है वो ज़ाहिर है question को show कर रहा है. Is that where the chair goes? तो ये who, which, is ये interrogative pronoun में इस्तेमाल होते हैं जो used in a question. तो question में ये इस्तेमाल होते हैं pronoun noun की बजाय. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी. दिस टाइप ऑफ प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज वे ऑफ गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन इन दिस कैटेगरी आर दैट, हु, विच, हुम. तो ये वे ऑफ गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. दिस इज माई ब्रदर हु लिव्स इन न्यूजीलैंड. तो हु जो है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है. दिस इज द बॉल दैट मॉय डॉग लाइक बेस्ट. तो हमारे पास ये प्रोनाउन है जो रिलेट कर रहे हैं किसी चीज को उस खास पर्टिकुलर चीज के साथ. तो ये रिलेटिव जो रिलेट करते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो ये हमारे पास जो कहलाएंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जी, इसके साथ जो इसकी टाइप्स आएगी उसको भी हम डिस्कस साथ साथ करते जाएंगे. तो बहरहाल यहाँ तक